सारे घर जो इस गांव में एक जैसे। ये चक्कर ये सबसे प्यारा गांव है ये रामगढ़। केबल कार में बैठ गए अभी हम। आगे जी केएल का मेन बाजार और हम जा रहे हैं आगे की तरफ केएल से। सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज गए हैं और हम निकल रहे हैं तकरीबन 11 बजे से पहले पहले हम जो है ताऊबट पहुंच जाएंगे जी। केएल से पीछे आए हम और जा रहे हैं ताऊबट की तरफ। ये सारा केएल गांव, पीछे नीचे घर बने हुए हैं और हम अभी सीधा जाएंगे। आगे दो रास्ते आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये सामने आगे जी दो रास्ते, लेफ्ट साइड पे जो रास्ता जा रहा है ये शॉन्टर वैली की तरफ जाता है चिटाखट्टा की तरफ, और इस साइड पे जो है ताऊबट की तरफ जाता है। हमने जाना है ताऊबट की तरफ। ताऊबट की तरफ हमने सफ़र स्टार्ट कर लिया। ये ताऊबट वाली रोड है, ये आप देख सकते हैं सामने। मौसम फ़िलहाल ठीक ही, आगे थोड़े बहुत बादल आए हुए हैं लेकिन उम्मीद है कि यह ठीक होगा। काम लगा हुआ है, रोड पक्की कर रहे हैं। यहाँ से पीछे कीचड़ भी बना हुआ है, काफ़ी स्टीप उतराई है यहाँ से। यहाँ आगे एक और चेक पोस्ट है, वहाँ पर भी एंट्री करनी पड़ती है शायद। नीचे बड़े बड़े पत्थर हैं, बाइक के टायर भी जो है 70cc बाइक है, इसकी टायर की इतनी ग्रिप नहीं होती, ये पत्थरों से लग के इधर उधर होती है। बिल्कुल आराम से पहले गियर में यहाँ से उतारनी पड़ेगी। ये जी उतर गई। अब यहाँ से हमने फिर दरिया के साथ साथ जाना है, अभी आगे फिर उतराई है जी। इंट्री करवा ली है यहाँ से और अब हम ताऊबट वाली रोड पर जो है ये चढ़ गए जी। ब्रिज क्रॉस कर लिए, ये नाला आ रहा है शॉन्टर वैली से। रैनीलम ये आ रहा है पीछे से, और ये वाला नाला है शॉन्टर वाला, ये नाला भी रैनीलम के बराबर है। ताऊबट की तरफ हमने सफ़र स्टार्ट कर दिए। हमारे टायर में जो है तो बाइक के टायर में जो थी हवा कम थी, हमने निकाली थी, हमारा पंप भी ख़राब हो गया था। चेक किया, हवा भरनी नहीं हो रही थी, बिल्कुल पंप में हवा ही नहीं आ रही थी। फिर हमने पंप को भी खोला और चेक किया तो थोड़ी बहुत हवा भरनी हुई है। अभी आगे जाएंगे, कहीं हमें टायरों वाला मिलेगा तो हवा थोड़ी ज़्यादा करवा लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी टायर में हवा कम है पिछले टायर में। अगला टायर तो ठीक है, नहीं तो ये रोड भी ऐसे है कि नुकीले पत्थर हैं, अगर पत्थर लग गया तो टायर पंचर हो जाएगा और फिर कोई तरीका भी नहीं है यहाँ से निकलने का।
और अभी आप व्यूज़ इंजॉय करें, सामने से सूर्य लग रहा होगा लेकिन फिर भी जो है आपको व्यूज़ कमाल के नज़र आ रहे होंगे। ये गाड़ी आगे जा रही है सामान लेकर, तौबर तक जाएगी ये भी। आगे आएगी जी मछल आबशार, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर आगे आएगी शायद। ये देखिए जी गांव आ गया, अभी कोई छोटा सा गांव है, पता नहीं कौन सा है, यहाँ भी बाजार है। देखते हैं हमें कोई टायर वाला मिल जाए, हम थोड़ी सी हवा भरवा लें। जो है चेक पोस्ट में आर्मी वालों की बनी हुई है, क्योंकि सारा जो है बॉर्डर एरिया है। ये आ गया जी, पता नहीं कौन सी जगह है, पुल आ गया है और ये चेक कर जी नाला गुजर रहा है। यहाँ मुझे लगता है यहाँ आगे ही मछल आबशार भी है, बिल्कुल ऐसी जगह पर थी मछल मछल आबशार। अब देखते हैं कहाँ पर है, जगह तो सेम ऐसी ही लग रही थी। वो सामने जी मछल आबशार, चेक करें जी, नीचे रेत है, ये खतरनाक होती है, गिरा देती है बाइक को। वो सामने जी मछल आबशार, ये है जी मच्छर आबशार, काफ़ी ऊंचाई से आ रही है और ये आकर जो है नीलम भी गिर रही है। चलें जी अभी यहाँ पर नहीं खड़े होते, इतना इसको क्रॉस करते हैं, वाटर क्रॉसिंग है। क्रॉस कर लिए जी पानी, ये देखें यहाँ साइडों पे बंद लगा रहे हैं अभी। चेक करें जी नीचे एक ब्रिज आ गया है, इन ब्रिज पर जो है टूरिस्ट को नहीं छोड़ते, यहाँ पर सिर्फ मुकामी लोग ही जाते हैं। वो सामने इतनी ऊँची आबशार आ गई, कैसे बह रहा है पानी पहाड़ों से। ये नीचे एक गांव आ गया, पता नहीं कौन सा गांव, छिछाड़ मानो इस तरह नाम है गांव का, मछल से आ गया था शायद, ये वही है। काफ़ी प्यारे भी हो के साथ गाँव में आप क्या देखते हैं। ये आगे जी जामगर है, जामगर गांव है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए बजाता हूँ क्योंकि इस घर के जो है सारे घर जो है इस गांव में एक जैसे। ये चेक कर लिए, सबसे प्यारा गांव है ये जामगर। इधर चेक करते हैं, इधर कोई हवा वाला बाइक है, तो सामने आगे बाइक की दुकान है, यहाँ पर हो गया वो सामने आगे बाइक की दुकान है। हवा भर के